हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के बारे में, जिन्होंने अक्षय कुमार के अपकमिंग मूवी लक्ष्मी बॉम्ब में लक्ष्मी नाम के कैरेक्टर का रोल अदा किया है। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एक रियल ट्रांसजेंडर हैं। इनका जन्म 13 दिसंबर 1978 में थाने के माल्टी बाई हॉस्पिटल में हुआ है। इन्होंने अपनी स्कूल स्टडी बीन्स पैराडाइज कोपरी थाने से कम्प्लीट की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई के मीठी बाई कॉलेज से कंप्लीट किया है और दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन के तौर पर इन्होंने भरतनाट्यम की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, यह टीवी एक्ट्रेस होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है मी हिजरा मी लक्ष्मी। लक्ष्मी 2011 में बिग बॉस सीजन 5 की कंटेस्टेंट भी रह चुकी है। बिग बॉस के कोई भी सीजन का एक भी एपिसोड नहीं देख के इस घर में घुसी थी और अब जाऊंगी तो जितने मैंने देखा है, जितने दिन में रही हूँ, वो सारे एपिसोड्स देखूंगी। मुझे लगता है मैं दोहरे मापदंड अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाई, जो मैं हूँ वही मैं रही और इस बात की मुझे खुशी है। मैं इनको सच का सामना, 10 कदम, रास पिछले जन्म का जैसे टीवी शोज में भी देखा गया है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए इनकी लव लाइफ की, तो इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपने लव रिलेशनशिप की जानकारी दी थी। इन्होंने बताया था कि साल 2012 में उनकी लाइफ पर विकी थॉमस नाम के एक शख्स आए थे और फिर उनके बीच लव हो गया। दोस्तों, रिपोर्ट की माने तो लक्ष्मी बॉम्ब मूवी के लिए अक्षय कुमार ने पहले ही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बात कर ली थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि लक्ष्मी नाम के कैरेक्टर का रोल सबसे बेस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ही निभा सकते हैं। दोस्तों, खबरें यह भी हैं कि लक्ष्मी बॉम्ब मूवी का नाम लक्ष्मी बॉम्ब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह किन्नरों के हित के लिए, मान सम्मान के लिए जिस तरह सामाजिक कार्य किए हैं, वो बेहद ही सराहनीय हैं। अब दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर लिख भेजें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।